हेलो। हेलो हाँ दिलीप जी नमस्ते, मैं शशांक पांडे बोल रहा हूँ द इंडिया टॉप से। दिलीप जी सर, नमस्ते। जी, आज युवा दिवस है और इस मौके पर आप लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड कराया युवा मांगे रोजगार। आप एसटी जी के अभ्यर्थी हैं, आप लोग भी हम अपनी हर मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और आज फिर आप लोगों ने ट्विटर पे भी एकजुटता दिखाई है और ट्रेंड जी कराया है युवा मांगे रोजगार। जी जी जी, तो क्या लगता है कि ये ट्विटर पे ट्रेंड कराने से रोजगार मिल जाएगा? सर, देखिए, ये अभी हम लोग जो है फिजिकली रूप से सचिवालय नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोरोना के कारण आगंतुकों का वहाँ जाना बंद है, कोई जी जा नहीं सकता है बाहर से। तो हम लोग चूंकि देखिए सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग हर तरह से सक्षम है, डिजिटल रूप से या फिर फिजिकल हो। और जी डिजिटल रूप से जैसे आज हम लोग ट्विटर पे ये ट्रेंड करा रहे हैं युवा मांगे रोजगार, तो इसका एक मतलब है कि सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के युवा अपनी ताकत लगाएं और ये दिखाएं सरकार को कि हम आपके शासन में हैं और पढ़ लिख कर भी अभी तक बेरोजगार हैं। अच्छा, जी तो आपने 1 बजे से आप लोगों ने ट्रेंड कराया इसको, जी जी लगभग 15वें या 14वें स्थान पे आया था, आप हाँ हाँ लोगों ने हिम्मत दिखाई। लेकिन क्या लगता है कि जब आप एक तरफ सड़कों पर आते हैं, गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तब तो आपकी बात को शिक्षा मंत्री सुनते ही नहीं है। आप एसटीटी अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी शिक्षा मंत्री कहते हैं कि वो लोग बैठे हुए हैं शांत अपने घरों में बैठे हुए। तो क्या ये ट्विटर जो है उसके माध्यम से जो आपने युवा मांगे रोजगार ट्रेंड कराया है उससे आप लोगों को रोजगार मिलेगा? सर, रोजगार तो इससे नहीं मिलेगा, लेकिन हम ये सरकार के सामने दिखा रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार की कितनी जरूरत है। युवा दिवस है आज, और अगर युवा ही बेरोजगार है तो कितने शर्म की बात है। जिनके याद में हम युवा दिवस मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उन्होंने युवाओं के लिए कितना किया और उन युवाओं के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने मतलब ये पेश किए हैं। उन्होंने अपने आदर्श पर युवा चलते हैं और आज वही युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ सरकार के सामने, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों के सामने ये दिखा रहे हैं कि आपके लिए आप शासन कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? युवा तो बेरोजगार है, युवा अपना रोजगार मांग रहे हैं। अब सर देखिए, यहाँ पे एसटीईटी का एग्जाम 2019 में उसका आता है शेड्यूल, 20 में हम लोगों ने 28 जनवरी को एग्जाम दिया, वो कैंसिल हो गया। कोरोना काल में 400-400 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देके हम लोग पास हुए हैं सर। अब उससे भी अब 1 साल लगभग होने को चला, अभी तक सरकार की नजर में हम लोग कुछ नहीं है। सरकार एक सोई हुई सरकार है और वो बोल रहे हैं कि छात्र सोए हुए हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं धरना प्रदर्शन, क्या नहीं हम लोग कर रहे हैं अच्छा अपने जॉब के लिए, अपने हक के लिए। दिलीप जी, जिस समय विधानसभा का चुनाव था उस जी समय एक तरफ महागठबंधन की तरफ से 10 लाख नौकरी का वादा किया गया था, तो वहीं एनडीए की तरफ से 19 लाख रोजगार की बात कही गई थी। और जी अब बिहार के युवा जो है वो रोजगार मांग रहे हैं, मिला क्या रोजगार? नहीं, बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिला है। अभी देखिए, हम लोग एक टीचर बहाली की बात करते हैं, 2011 में छठा चरण शुरू हुआ था, 21 खत्म हो गया, 22 में हम लोग आ गए, अभी तक छठा चरण क्लियर नहीं हो रहा है, हम लोग 7वें चरण के हैं। और यहाँ पे गलती सिर्फ छात्र की नहीं है, यहाँ पे क्या होता है कि आपने वोट विकास को दिया और आपका विकास नहीं हो रहा है, अच्छा, तो सबसे बड़ी बात यह है। ये जो युवा युवा मांगे रोजगार, ये जो आपने ट्रेंड कराया, ये आइडिया कहाँ से आया आप लोगों को? ये सर हम छात्रों का ही आइडिया था कि जी युवा दिवस के अवसर पे हम एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि युवा बेरोजगार है, युवा को रोजगार की जरूरत है, हम इलिजिबल हैं और फिर भी हमें जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक हैशटैग बनाया था कि युवा मांगे रोजगार, अच्छा, युवाओं को रोजगार की कितनी आवश्यकता है यहाँ पे। चलिए, जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर।